बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस को प्लास्टिक सर्जरी या कॉस्मेटिक सर्जरी की वजह से ट्रोल किया जाता रहा है। ऐसी एक्ट्रेसेस की कमी नहीं है जिन्होंने लिप्स या नोज सर्जरी कराई है। ऐसा करने पर कई एक्ट्रेसेस की खूबसूरती बढ़ गई है तो किसी किसी को प्लास्टिक सर्जरी कराने के बाद लेने के देने पड़ गए। बहरहाल आज हम ऐसी किसी भी एक्ट्रेस के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के ऐसे एक्टर्स के बारे में जिन्होंने स्मार्ट दिखने के लिए प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जरी कराई है। ये सुनकर आपको भले ही शॉक लगे पर है ये बिल्कुल सच। तो चलिए जल्दी जल्दी उन सारे एक्टर्स के बारे में आपसे बात कर लेते हैं, मगर उससे पहले अगर आपने नहीं किया है रियल रिवाइंड को सब्सक्राइब तो अभी कीजिए और साथ में लगा बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं रियल रिवाइंड और मैं हूँ फरहा। सबसे पहले बात करेंगे अमिताभ बच्चन की। सभी के महानायक किसी पहचान के मोहताज नहीं है। अमिताभ बच्चन ने भी इंडस्ट्री में बने रहने के लिए अपने स्मार्टनेस पर काफी काम किया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अमिताभ ने हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी कराई है। रणबीर कपूर अपनी फिल्मों से ज्यादा दूसरी वजहों से सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन फिर भी रणबीर की फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है। फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी के बाद उनके बाल बहुत झड़ने लगे थे, ऐसे में उन्हें भी अमिताभ बच्चन की तरह ही हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी का सहारा लेना पड़ा। आमिर खान, अपनी झुर्रियों और उम्र को छुपाने के लिए आमिर ने बोटॉक्स सर्जरी के अलावा नाक की सर्जरी भी कराई है। हालांकि आमिर ने कभी इस बारे में खुलकर नहीं कहा, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात की काफी चर्चा होती रहती है। सैफ अली खान, सैफ में कॉस्मेटिक सर्जरी के बाद कितना बदलाव आया है इस बात का अंदाजा उनकी पुरानी तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। सैफ उम्र को छुपाने के लिए बोटॉक्स लेने के साथ साथ नाक की सर्जरी भी करवा चुके हैं। शाहिद कपूर, शाहिद ने अपनी नाक को शेप देने के लिए नाक की सर्जरी कराई है। यकीन नहीं आता तो आप उनके इस पुराने म्यूजिक एल्बम को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। जितेंद्र, जंपिंग जैक के नाम से मशहूर अपने जमाने के मशहूर एक्टर जितेंद्र कई सालों तक बोटॉक्स लेते रहे हैं, अब इसका असर उनके चेहरे पर साफ देखा जा सकता है। शाहरुख खान को बॉलीवुड का किंग खान कहा जाता है, ऐसे में पिछले कुछ सालों में उनकी फिल्में तो नहीं चल रही, लेकिन फिर भी उनके लिए लोगों की दीवानगी कम नहीं हुई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि शाहरुख ने अपने चेहरे को शेप में रखने के लिए बोटॉक्स के इंजेक्शन लिए हैं, वहीं उन्होंने नाक की सर्जरी भी कराई है। सलमान खान ने कई बार प्लास्टिक सर्जरी कराई है। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि उन्होंने अपनी जॉ लाइन भी करेक्ट कराई है और इसी के साथ ही साथ उन्होंने कई बार हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है। अनिल कपूर, बॉलीवुड के फॉरएवर यंग एक्टर अनिल कपूर की अगर बात की जाए, उन्होंने 40 साल बॉलीवुड इंडस्ट्री को दिए हैं और फिर भी वो अपनी एज से आधे ही नजर आते हैं। भले ही वो अपनी सेहत का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हों, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि ऐसा कॉस्मेटिक सर्जरी की वजह से हुआ है। तभी तो 63 साल की उम्र में भी अनिल कपूर के चेहरे पर एक भी रिंकल ढूंढ पाना मुश्किल है। आज के रियल रिवाइंड में बस इतना ही। इनमें से किस एक्टर की सर्जरी के बारे में सुनकर आप सबसे ज्यादा सरप्राइज हुए, हमें कमेंट करके बताना मत भूलिए। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और रियल रिवाइंड को सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Real Rewind.